नमस्कार दोस्त, मैं हूं दिवाकर। आज मैं अपनी बात यूसीसी के ऊपर रखूंगा। वैसे तो यूसीसी भारत में जब से संविधान बना है तब से चर्चा में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस भारत भूमि में जितने लोग रहते हैं सबके लिए एक जैसा कानून है। बड़ा यूटोपियन सा लगता है, बड़ा काल्पनिक सा लगता है ये काम। ये काल्पनिक क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ एक समाज ऐसा है जो दूसरे समाज को, दूसरे वर्ग को काफिर समझता है और वो उसके साथ किसी भी तरह की चीज़ों को साझा नहीं करना चाहता है, उससे उसकी सर्वश्रेष्ठता कम होती है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ वो सदैव खड़ा होते हैं। लेकिन किसी और पर्सपेक्टिव में बात करना चाहूँगा। ये जो विरोध इस्लामिक आधार पे मुस्लिम समुदाय की तरफ से यूसीसी का होता है, उसके लिए, उस समुदाय विशेष के लिए यूसीसी का अर्थ है यूनिवर्सल सिविल कोड। ये काफिरों के लिए भले यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, भारत का यूनिफॉर्म सिविल कोड, ब्रिटेन का यूनिफॉर्म सिविल कोड, फ्रांस का यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सकता है, जर्मनी का यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सकता है, लेकिन इस्लाम का यूनिवर्सल सिविल कोड है और वो है शरिया। इस्लाम सिद्धांत के रूप में, अपनी पुस्तकों के आधार पे, पवित्र ग्रंथों के आधार पे, इस्लाम के हर एक फॉलोअर का ये मानना है, मानना ही पड़ेगा यदि वो इस्लाम का फॉलोअर है। और उस मानने में ये चीज है कि ये धरती, पूरी धरती जो है मुसलमानों के लिए बनी हुई है और इस पे केवल और केवल उन्हीं का आधार है, उन्हीं का अधिकार है। इस धरती पे रहने वाले हर काफिर को मुसलमान एक दिन हो जाना है, और जिस दिन हर काफिर मुसलमान हो जाएगा अर्थात इस्लामिक राज्य स्थापित हो जाएगा, उस दिन यूनिफॉर्म यूनिवर्सल सिविल कोड लागू हो जाएगा जिसे शरिया कहते हैं। तो शरिया का निर्माण पूरे विश्व के लिए किया गया है। ये अलग बात है कि वो टुकड़ों में लागू हो रहा है। अभी 57 देशों में लागू हुआ है, विश्व के बचे हुए देशों में उसका लागू होना बाकी है। आज यदि हिंदुस्तान का, भारत का मुस्लिम समुदाय यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके यूनिवर्सल सिविल कोड का क्या होगा, उसके शरिया कानून का क्या होगा जो कि ऊपर है सबसे। मुसलमान होने का ही अर्थ है धरती पे हर जीवित प्राणी से सर्वश्रेष्ठ होना। ये मैं नहीं कहता, ये मजहबी आधार है, ये मजहब से आई हुई बातें हैं, ये किसी के कहने से नहीं है या किसी के सुनने से नहीं है। इसलिए अपनी सर्वश्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए मुस्लिम समुदाय के लिए आवश्यक है कि वो किसी भी काफिरों के द्वारा बनाए कानून के अंदर अपने को ना पाए, और इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध होना मजहब के आधार पे बहुत ही तार्किक है। इसमें और इसका एक राजनीतिक विशेषता भी है। जब मुस्लिम समुदाय यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करता है, उसे चुनौती देता है, तो वो अपनी राजनीतिक शक्ति का भी प्रदर्शन कर रहा होता है और काफिर समाज के सामने इस बात को भी रखता है कि हमारे पास एक अपना निजाम है, एक अपना कानून है, शरीयत का कानून, जिसे तुम सबको आज न कल मानना पड़ेगा, इसलिए हम उसके पहरेदार हैं, हम उसको लागू करवाने वाले हैं। इसलिए हम इस मानव द्वारा बनाए गए कानून को चुनौती देते हैं, हम उसे मानने से इनकार करते हैं। तो ये यूनिवर्सल सिविल कोड वर्सेस यूनिफॉर्म सिविल कोड है, और इसलिए इस तरह के, जिसे इस्लाम के फॉलोअर्स मानव द्वारा बनाया गया कानून समझता है या मानता है, शरीयत से नीचे समझता है और शरीयत को ऊपर बनाए रखने के लिए, उसके लिए यह तर्क संगत है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करे। यदि वो इसका विरोध नहीं करेगा तो शायद वो अपने मजहब के कर्तव्यों के पालन से चूक जाएगा।
इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।